नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग और एक बार फिर से स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जैविक वाटिका पर। और आज हमारा जो वीडियो है ये खास वीडियो हार्वेस्टिंग के ऊपर है और हमारे जो टेरेस पर वेजिटेबल्स हमने ग्रो की हुई हैं उनकी हार्वेस्टिंग हम आज आपको दिखाएंगे। और ये आप देख भी रहे होंगे कि जो हमारा ये फूल गोभी है, कॉलीफ्लावर बोलते हैं इसको, कितनी फ्रेश और एकदम ऑर्गेनिक लग रही है। और इसके पीछे काफ़ी मेहनत की है हमने और इसकी फ्रेशनेस आप फील कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल हमने यूज नहीं किया हुआ है, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से इसको ग्रो किया है। तो ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं अपनी टेरेस पर। और अब आगे चलेंगे, हम हार्वेस्टिंग दिखाएंगे आज आपको पूरी। और ये मेरी ब्रोकली आप देख ही रहे होंगे कि कितनी फ्रेश एकदम लग रही है। और ये हमने इस बार फर्स्ट टाइम ग्रो किया हुआ है तो पहली बार का एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। और आप देख भी रहे होंगे कि जो ब्रोकली हमने ग्रो की है वो एकदम कितनी फ्रेश और अच्छी लग रही है। अब आइए चलते हैं आगे। और थोड़ा सा धनिया हम अपनी टेरेस पर काफ़ी उगाया हुआ है हमने तो हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये आप धनिया देख रहे हैं। और अब हम हार्वेस्टिंग करेंगे ये सरसों का जो पौधा आप देख रहे हैं, इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। मैंने और भी सरसों के पौधे लगाए हुए थे, सरसों का साग बनाने के लिए उनकी हम हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। कुछ पौधे हमारे पास ये बचे हैं, बाकी हमने नीचे और लगाए हुए हैं। ये देखिए इधर, ये भी सरसों ही है और ये भी सरसों ही है। हम ज़्यादा हार्वेस्ट नहीं कर पाए तो इस पर फ्लावरिंग भी आ गई है। और फ्लावरिंग देखिए कितनी सुंदर इसकी लगती है। बाकी जो इसके पत्ते हैं वो अभी भी काम आ सकते हैं। तो ये पौधा हमने एक बचाया हुआ, बाकी नीचे हमारे पास काफ़ी गार्डन में और खड़ा हुआ है। तो ये इस तरह से पत्तों की हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और इधर कुछ पालक हमारा हो गया है थोड़ा बड़ा, तो इसकी भी हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे। ये तीसरी बार जो है इस पालक को हम काट रहे हैं। अब से पहले दो बार हमने इसकी कटाई कर चुके हैं और तीसरी बार की ये कटाई है। ये लगभग 4-5 बार कटाई दे देता है पालक, और 4-5 बार कटाई के बाद फिर हम दोबारा से बो सकते हैं। तो 4-5 बार के बाद ये ज़्यादा मतलब ग्रोथ इसमें नहीं आती है। वैसे तो हमारे पास एक पौधा मैंने अभी जो दिखाया लास्ट में वो पिछले साल का है और वो इसी तरह से बढ़ता रहता है, लेकिन ग्रोथ जो है थोड़ी धीमे होती है। तो इस तरह से पालक की हार्वेस्टिंग हो गई है। अब आइए देखते हैं कुछ और उधर कुछ मूली हैं हमारी, कुछ ये गाजर तो अभी छोटी छोटी हैं। मूली और शलजम हमने अभी हार्वेस्ट करनी है और हरी प्याज भी इस बार हम हार्वेस्ट करेंगे। ये देखिए, ये हरी प्याज है और 2-3 प्याज से जो है हमारी सब्जी जो है वो तैयार हो जाती है। तो हरी प्याज भी मैं आज हार्वेस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये 3 प्याज है मेरी जो मैंने हार्वेस्ट की हैं। काफ़ी रहती है इनका, मुझे फ्लेवर लगता है अच्छा, तो मैं एक फ़्लेवर के तौर पे इनको जो सब्जियाँ हैं वो हम बनाते हैं। और ये सुंदर सा देखिए छोटा सा फूल, ये डेलिया का फूल है। और ये जो दोनों पौधे आप देख रहे हैं ये मैंने छोटी सी सीडलिंग से ग्रो किए थे और अब इन पर फूल खिलाए हैं। बाकी ये बड़े प्लांट हो गए मेरे कॉस्मोस के। इधर आप गाजर भी देख रहे होंगे और गाजर हालांकि ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी अभी गाजर हुई हैं। तो अभी इनकी हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे हम, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। तो अपने आप उगाई हुई जो चीज़ें होती हैं उनका अलग ही आनंद होता है। बाकी इधर कुछ शलजम है, शलजम भी हम एक दो हार्वेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, हम कई बार कर चुके हैं, वीडियो नहीं बना पाते, 3-4 बार से ज़्यादा हम हार्वेस्टिंग कर चुके हैं शलजम की भी, मूली की भी। और मूली तो अब हमारा जो सेकेंड लॉट है उसको हम अब लगाएंगे। तो मूली देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। ये देखिए,
ये लाल वाली मूली है, बाकी आज शाम को जो साग है वो बनेगा पालक का और मिक्स करके सारी चीज़ें, तो उसमें मूली जो है वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो इधर से हम एक जो है ये वाइट वाली ले लेते हैं, एक हमने ली है ये लाल वाली। बाकी इधर कुछ मिर्च हम हार्वेस्ट कर लेंगे, मिर्च भी ज़रूरत पड़ती है। और ये पौधा मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि इस पौधे से हम काफ़ी सारी मिर्चें ले चुके हैं, इवन पिछले 1-1.5 साल से तो हमने मिर्चें खरीदी भी नहीं है। ये मिर्च ऐसी है कि एक ही मिर्च जो है वो एक टाइम की जो हमारी सब्जी बनती है उसमें पूरा ये काम कर देती है। तो ये 7-8 मिर्चें हमारी 3-4 दिन आराम से चल जाती हैं। और ब्रोकली तो आप देख ही चुके हैं मेरी, मैं हार्वेस्ट कर चुका हूँ। ये देखिए मैंने अभी हार्वेस्ट की है और ये एक और तैयार है, बाकी हमने जो नीचे गार्डन है हमारा उसमें लगाई हुई है, तो उनकी इसके बाद जो लॉट है वो शुरू हो जाएगी। ये देखिए बाकी नींबू तो हम लेते रहते हैं, कल भी मैंने 2-3 नींबू लिए थे और अभी काफ़ी नींबू इस पर बचे हुए हैं। ये देखिए कितने नींबू अभी बचे हुए हैं, तो इनको भी समय समय से हम जो जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी किचन में वैसे हम लेते रहते हैं इनको भी। बाकी इधर जो सेब चना की फली हैं ये देखिए, ये भी शुरुआत हो गई है इनमें और लगभग 7-8 दिन में इन पे भी हार्वेस्टिंग अब चालू हो जाएगी। और सेब चने की फली काफ़ी पौष्टिक रहती है तो मैंने गार्डन में इस बार अपने ऐड ज़रूर की है। और टमाटर देखिए, टमाटर भी हमारे आ गए हैं, अब लगने शुरू हो गए टमाटर, तो टमाटर की भी कुछ दिनों में ये देखिए, इधर ये देखिए ये टमाटर अब लगने शुरू हो गए हैं। और मैं टमाटर की केयर भी इस बार काफ़ी कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे अच्छे टमाटर तोड़ने को मिलेंगे। और इधर ये चकुंदर का बागान है मेरा पूरा, ये देखिए, और चकुंदर पहले भी ले चुका मैं इसमें से और अभी भी एक आध चकुंदर तो जैसे सलाद वगैरह में लेने के लिए हम ले लेते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है हालांकि, लेकिन काम चलाने लायक हो गई है। ये देखिए ये ऊपर ही थी मिट्टी में, तो कुछ इस तरह से आपको दिख रही होगी, अदरवाइज ये बहुत पौष्टिक रहती है। उधर से निकाल के हमने कुछ पौधे यहाँ पर भी लगाए, देखिए उनमें से ही लगाए हैं ये, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्या बोलते हैं उनको, घने हो गए थे, तो उधर से निकाल के फिर इधर भी लगा दिए हैं। और कुछ ब्रोकली की जो खेप है वो कुछ दिनों के बाद आनी शुरू हो जाएगी। देखिए ये और छोटी छोटी सी है, ये अभी हार्वेस्ट कर ही लिया है। इधर से कुछ और पहले हम हार्वेस्ट कर चुके गोभियाँ और एक फूल गोभी और बची हुई है, बाकी नीचे और लगी हुई है काफ़ी सारी। तो ये किचन के लिए हमारी सारी हार्वेस्टिंग हो गई है और लगभग 2-3-4 दिन का ये काम हो गया है हमारा। आराम से हमारी 4 दिन तक सारी वेजिटेबल्स चलती रहेंगी इसी तरह से, तो आनंद लीजिए आप भी और अपने गार्डन में लगाइए, उगाइए और पौष्टिकता से भरी ये सारी सब्जियां आप खाइए और अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखिए। जो केमिकल का जहर है उससे छुटकारा पाकर आप अपने आप उगाई हुई सब्जियों का सेवन करेंगे तो आपको अलग ही आनंद मिलेगा और आपकी जो सेहत है वो अच्छी बनी रहेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर थोड़े से ही सही आप शुरुआत करिए और अपना ख्याल रखिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब तक कीमती समय दिया आपने। तो मिलेंगे फिर किसी नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो में, तब तक आप चैनल पर बने रहिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिल जाए और नोटिफिकेशन बेल जो है वो उसको आप दबा ज़रूर दें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।